गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम हिंदी में लेसन 9 को रीड करेंगे, ठीक है। हमारे पाठ का नाम क्या है, नया नवेला मौसम। आपको जैसे बताया है सारे बच्चे अपनी पेंसिल या फिंगर को रखकर ऐसे ही रीड करेंगे जैसे हम आपको करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे थे, माँ ने मीनू को उठाया और नहा धोकर नई फ्रॉक पहनने को कहा। फ्रॉक पीले रंग की थी, मीनू को फ्रॉक बहुत पसंद आई। वह तैयार होकर दादाजी के पास आई। दादाजी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। मीनू, देखिए दादाजी मेरी नई फ्रॉक। दादाजी, वाह वाह बहुत सुंदर लग रही है। मीनू, दादाजी आज घर में सभी ने पीले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं। दादाजी, क्योंकि आज वसंत पंचमी है, यह वसंत ऋतु का पहला दिन होता है। वसंत ऋतु सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम होता है। मीनू, मतलब वसंत ऋतु में ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी, तो फिर कैसा मौसम होता है दादाजी। दादाजी, इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है और मौसम सुहावना हो जाता है। मीनू, चलो बाहर बगीचे में चलते हैं, वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। मीनू, चलिए दादाजी। दादाजी, देखो मीनू पेड़ों पर कितने नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए हैं। मीनू, हाँ दादाजी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। उन पेड़ों के नीचे तो देखिए पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। दादाजी, मीनू इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। मीनू, दादाजी मुझे वसंत का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वसंत में सब कुछ कितना सुंदर लगता है। दादाजी, यह मौसम तो सभी को अच्छा लगता है, इसलिए तो इसे ऋतुराज भी कहते हैं। होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। मीनू, होली तो मेरा मनपसंद त्यौहार है। इस बार भी मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेलूंगी। दादाजी, जरूर खेलना, पर अभी चलो हम एक पौधा लगाते हैं। मीनू, लेकिन क्यों दादाजी। दादाजी वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। तुम जानती हो जो पौधा तुम रोपोगी वह तुम्हारे साथ साथ बड़ा होगा। पौधे के रूप में तुम्हें एक दोस्त भी मिल जाएगा। मीनू, मेरा दोस्त, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। मीनू और
दादाजी ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और पौधा रोप दिया। अपने उस दोस्त की देखरेख का जिम्मा मीनू ने लिया। ठीक है, आपको ये लेसन हमने जैसे रीड करवाया है, सारे बच्चे इसको ठीक से ध्यान से रीड करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।